टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 7 रन से जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। भारत की इस जीत के साथ ही इस मैच में कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है जो कि न तो महेंद्र सिंह धोनी बना पाए है न तो विराट कोहली। रोहित शर्मा ने भले ही तीसरे टी20 मैच में बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दिया लेकिन उन्होंने इस मैच में एक स्पेशल रिकॉर्ड बनाया है। रोहित ने चौथी बार अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में भारत का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में टीम की यह लगातार चौथी जीत है। इस तरह अपने नेतृत्व में टीम को पहले 4 टी20 मैचों में जीत दिलाने वाले भारत के वह पहले तथा दुनिया के 6ठे कप्तान बन चुके हैं। यह खास मुकाम भारत को टी20 विश्व कप दिलाने वाला महेंद्र सिंह धोनी तथा इस समय वैश्विक क्रिकेट में छाए विराट कोहली भी नहीं हासिल कर पाए हैं। रोहित शर्मा ने इससे पहले दिसंबर में भारत को श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचों में अपने नेतृत्व से जीत दिलाई थी। सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में रोहित शर्मा 11 रन बनाकर जूनियर डाला की गेंद पर LBW आउट हो गए। 8 गेंदों की इस छोटी सी पारी में उनके बल्ले से दो चौके भी निकले हैं। बल्ले से भले ही रोहित ने अपने फैंस को निराश कर दिया हो लेकिन अपनी कप्तानी से लगातार 4 टी20 मैच जीतकर कोहली और धोनी जैसे दिग्गज कप्तानों को भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे ही अन्य खबर पाने के लिए अब हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।